फ़ोन, पीसी, एंड्रॉयड और आईओएस का आपस में फाइल और डाटा ट्रांसफर का सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट ऐप है जेपीआई। ये जेपीआई ऐप आप अपने पीसी के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए बस अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करके वहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही अपना जेपीआई ऐप आ जाएगा और उसको सीधा ही इंस्टॉल कर देना है। ऑटोमेटिक डाउनलोड के साथ इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फ़ोन से अगर अपना पीसी वाईफाई से कनेक्ट है तो फ़ोन के हॉटस्पॉट को बंद कर देना है। और फिर इसका जो इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, उसमें नीचे वाला जो कॉलम है क्रिएट हॉटस्पॉट ग्रुप, इस पे अपने को क्लिक करना है। पर उससे पहले अपने को ये देख लेना है कि फ़ोन का हॉटस्पॉट तो बंद है, क्योंकि फ़ोन की वाईफाई चलेगी और पीसी का हॉटस्पॉट चलेगा। बस ये इस पे अपन क्लिक कर देंगे और ऐसा कुछ ये QR कोड सा इसमें आ जाएगा। QR कोड आने के बाद अपन चलते हैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, और फ़ोन में भी सीधा जेपीआई ऐप प्ले स्टोर से सीधा अपने को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करते ही इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर ओपन करते टाइम ये 5 सेकंड का एक ऐड आएगा। ऐड कंप्लीट होते ही सीधा इसको स्किप पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर राइट साइड कॉर्नर पे एक स्कैनर का अपने को लोगो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही अपने को ये QR कोड स्कैन करेंगे और उसके बाद इसमें फ़ोन में अपने को वाईफाई दिखेगी, उस पर अपने को क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और दोनों में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद अपने को जैसे फ़ोन में से कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, तो जैसे मैं अभी जब यह ऐप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेंड का ऑप्शन आ गया। इस प्रकार से अपन फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही अपने को अगर पीसी से भेजना है तो सीधा सेंड फाइल का जो कनेक्ट में जो ऑप्शन आ रहा है उस पर अपने को जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपने को जो भी फाइल भेजनी है उसको अपन सेलेक्ट करके सेंड करना है। और इस प्रकार से आप सबसे इजी तरीके से दोनों में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।